लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन के निर्देश पर छूट मिलने का आज तीसरा दिन है और छूट के दौरान सड़कों पर लोगों का आगमन काफी बढ़ गया है। जिनको जरूरत है वो तो निकल ही रहे हैं, उसके बावजूद कुछ लोग बिना मतलब के सड़कों पर तफरी लेने के लिए घूम रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। इसी क्रम में शहर के अंदर एंट्री करने वाली सभी गाड़ियों का पास देखा जा रहा है और उनके नाम व पते को नोट किया जा रहा है। रिवंत संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। प्रशासन के द्वारा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए गए, इन कैटेगरी की दुकानों पर व्यावसायिक संस्थानों को छूट प्राप्त है, उन्हीं लोगों को दुकान खोलने की अनुमति मिल रही है। उसके अलावा दुकान में आने जाने वाले लोगों के कारण नगर के सेंटर में थोड़ी भीड़ ऐसे प्रतीत हो रही है, उनको बार बार स्क्रीन किया जा रहा है और जहाँ प्रकार का प्रतीत हो रहा है ये कारण यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हेतु अवगत कराया गया। नगर और देहात की सीमा के 8 बिंदु हैं जो देहात से नगर आने वाले क्षेत्र के रास्तों में आते हैं। इन 8 जगहों पे रजिस्टर लगाए गए हैं और राउंड द क्लॉक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी लगाई गई है ताकि वहाँ पर गाड़ियों की कोई भी गाड़ी या कोई भी बाहर जाने वाले वाहनों का किया जा सके और इसके अंतर्गत हर 8 घंटे में उसकी अपडेटेड लिस्ट तैयार होकर आ रही है ताकि हमें क्लियर कट पता चल पाए कि कहाँ से कितनी गाड़ियाँ। ट्रेन द्वारा लाए जा रहे मजदूरों को स्वास्थ्य